हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 एनिमी जो डब हुए थे हिंदी में, उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और ये वीडियो बहुत ही मस्त है, और आप ये नहीं कहना कि ये एनिमी वेस्ट है, ये एनिमी बेटर है। और इसमें मैंने सिमचैन, ड्रैगन बॉल जी, पोकेमोन और बेबलर जैसे पॉपुलर एनिमी नहीं लिए हैं। मेरा ये थॉट है, मेरा पर्सनल एनिमी है, तो ये मत कहना कि आगे कि ये है अच्छा, ये अच्छा है। और आपको बिना टाइम खर्च करते हुए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। जो हमारे पांचवें नंबर पर एनिमी आता है वो हमारा है स्लगटेरा। स्लगटेरा बहुत ही मस्त एनिमी है, बहुत ही अच्छा एनिमी है। और इसका मेन करेक्टर है इलाई। इलाई बहुत ही अच्छा करेक्टर है। ये बंदा स्लगटेरा की दुनिया में चले जाता है, वहाँ पर ये बहुत सारे बंदों से फाइट भी करता है। और ये एक तरफ से शूटिंग वाली है तो होती नहीं है गेम, आप देखे ही होंगे शूटिंग वाली, वैसा ही है एनिमी है। बहुत ही मस्त एनिमी है। इसमें शूटर होते हैं, जैसे गन होती है उसके अंदर स्लग को लगाते हैं और उससे बार करते हैं, तो वो बंदा स्लग बहुत तगड़ा बन जाता है, पावरफुल। और दूसरे बंदे पर जाकर लगता है तो बहुत तगड़ा झटका भी लगता है। और इसमें विलन भी है, डॉक्टर ब्लैक, बहुत तगड़ा विलन है। आपने देखा होगा ये बंदा कई सारे स्लगों पर एक्सपेरिमेंट करता है और उन्हें बहुत तगड़ा बना देता है, जिससे कि कई सारे जगह तबाह कर देता है ब्लैक, डॉक्टर ब्लैक। और बहुत ही तगड़ा विलन है, मगर इलाई अपना बंदा उसे रोकने में कामयाब हो जाता है, उसके अपने साथियों के साथ उसे रोक लेता है। जो हमारे चौथे नंबर पे एनिमी आता है वो हमारा है डायनासोर किंग। डायनासोर किंग बहुत ही मस्त एनिमी है। यह कुछ कुछ पोकेमोन जैसा ही है, क्योंकि पोकेमोन में पोकेबॉल से पोकेमोन पकड़ते हैं, इसमें डायनासोर को कार्ड से निकाल के स्लेश करके निकालते हैं डायनासोर किंग। और ये बहुत ही मस्त है। डायनासोर किंग के बहुत मस्त मस्त एपिसोड भी है। और ये डायनासोर किंग के मेन करेक्टर हैं जूई, मैक्स और एक्स, तो बहुत ही अच्छे करेक्टर है। और आपने देखा ही होगा कितने पावरफुल डायनासोर होते हैं, उन्हें ये लोग कार्ड में कैद करके रखते हैं और निकालते हैं और फाइट करवाते हैं। और इनके विलन है अल्फा गैंग, और अल्फा गैंग बहुत ही तगड़ी विलन है और ये बहुत ही मस्त है। और इसमें आपने देखा ही होगा रेक्स के डैड होते हैं, वो जो फ्यूचर में जाते हैं और डायनासोर को बचाने के लिए कार्ड में बंद कर देते हैं, मगर वो क्या कहते हैं, अल्फा गैंग होती है वो उन पर कुछ कर देती है, उन्हें कहीं और स्पेस में फेंक देती है और रेक्स को स्पेस में फेंक देते हैं, मगर वो अर्थ पा के गिर जाता है। ऐसा होता है सीन, बहुत ही मस्त एपिसोड भी है, बहुत ही मस्त है। आप देखोगे दोनों सीजन बहुत ही मस्त है। पहले सीजन का 49 एपिसोड है, दूसरे सीजन का 30 एपिसोड है, और दोनों सीजन बहुत ही तगड़े हैं, बहुत ही मस्त है। जो हमारा तीसरे नंबर पर एनिमी है वो हमारा है गोस्ट इन स्कूल। गोस्ट इन स्कूल हॉरर मूवी आपने देखी होगी, उसके ऊपर आधारित है। हॉरर मूवी बहुत ही मस्त मूवी होती है, बहुत ही अच्छी, और मेरी हॉरर मूवी बहुत ही फेवरेट है। ये का एनिमी बहुत ही मस्त एनिमी है। आप देखोगे इसमें बच्चे होते हैं, उनके स्कूल में गोस्ट का हमला हो जाता है, जिससे वो बचने के लिए बहुत सारे तरकीब अपनाते हैं और ना पता बच भी पाते हैं कि नहीं। आप यूट्यूब पर देखोगे इसके एपिसोड हिंदी में है अवेलेबल, 20 एपिसोड है, आप जाकर देखोगे सबके सब मिल जाएंगे, और बहुत ही मस्त है। और ये बहुत ही अच्छा हॉरर कार्टून नहीं सॉरी एनिमी है, बहुत ही मस्त एनिमी है। और ये एनिमी को मैंने कम से कम 3 बार देखा, आप जाके देखोगे तो आपको भी बहुत ही मस्त लगेगा। जो हमारे दूसरे नंबर पे एनिमी आता है वो हमारा इटाइटन जम। इटाइटन जम बहुत ही मस्त एनिमी है, आपने देखा होगा इसमें एक सो यामाटो नाम का बंदा होता है, जो मेन करेक्टर है वो है एमटीवी राइडर होता है, जो वो एक टाइम में वो बंदा ना अपने दोस्तों के साथ एमटीवी रेस करता है, जिससे वो करते करते ना एक्स जोन में पहुँच जाता है, वो दूसरा डायमेंशन होता है। उससे निकलने के लिए इस बंदे को 10 गोल्ड एम्बलम चाहिए होता है, जिसे जीतने के लिए वो कई सारे एमटीवी राइडरों को हराता है, फिर जाके वो अपने दुनिया में आता है। बहुत ही बंदे को फाइट करनी पड़ती है, मतलब रेसिंग करनी पड़ती है, जब जाके अपने दुनिया में आ जाता है। और ये बहुत ही मस्त एनिमी है, और इस एनिमी में बहुत सारे एडवेंचर दिखेंगे आपको। ये बहुत ही मस्त एनिमी, आप जाके जल्दी जल्दी देख लो, यूट्यूब पर सारे के सारे एपिसोड हिंदी में आपको मिल जाएंगे। जो हमारे पहले और आखिरी नंबर पर वो हमारा है जैचवेल। जैचवेल बहुत ही मस्त एनिमी है, और इसकी स्टोरी की बात करें तो एक मोडो वर्ल्ड होता है, जिसमें मोडो किंग चुनने के लिए बैटल की जाती है, और इन्हें अर्थ पर बुक के साथ भेज दिया जाता है, और उस बुक में स्पेल होता है, मोडो का स्पेल होता है, जिससे वो अपने बंदे ढूंढते हैं और उन्हें
स्पेयर पढ़ लेते हैं जिससे वो उन फाइट होती है। और इनका मेन करेक्टर है जैच, और जैच बहुत ही फनी करेक्टर, बहुत ही मस्त है, आपने देखा है, बहुत फुर्ती वाला भी है। और दूसरा मेन करेक्टर है कियो, कियो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, बहुत ही मस्त और बहुत दिमाग वाला होता है, बहुत ही अच्छा बंदा भी होता है। और फाइट तो आपने देखी होगी कितने मस्त है। और इसके एपिसोड कुछ टोटल 150 है, मगर जापान 100 ही हिंदी में, 100 हिंदी में और सब जापानीज में है, तो आप हिंदी में 100 के 100 देख सकते हो, यूट्यूब पर मिल जाएगा, और जाकर जल्दी जल्दी देखो, बहुत ही मस्त एनिमे है ये। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, गुड बाय एंड टेक केयर।